हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूडीज कैसल। आज हम बनाएंगे मसाला चीज़ मैगी, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम एक कढ़ाई में डालेंगे करीब एक बड़ी चम्मच रिफाइंड ऑयल। फिर तेल गर्म होते ही इसमें डालेंगे एक बड़ी चम्मच बारीक कटे हुए लहसुन और एक बड़ी चम्मच बारीक कटे हुए हरी मिर्च। फिर इन्हें 2-3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लहसुन और हरी मिर्च अच्छे से फ्राई होने के बाद इसमें हम मैगी का मसाला डाल देंगे। मैं यहाँ पे 4 पैकेट मैगी बना रही हूँ, इसलिए मैं 4 पैकेट मसाला यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको मसालों का फ्लेवर ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें मैगी का टेस्ट मेकर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फिर हम इसमें ऐड करेंगे आधी बड़ी चम्मच चिकन मसाला। पर्सनली मुझे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, वरना ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है। मसाले थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे पानी। पहले मैं इसमें 3 कप ही पानी डालूंगी, फिर अगर ज़रूरत पड़े तो मैं और पानी डालूंगी, वरना ज़्यादा पानी डालने से मैगी थोड़ी चिपचिपी हो जाती है और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब हम पानी को थोड़ी देर बॉयल होने देंगे, फिर हम इसमें मैगी नूडल्स ऐड करेंगे। थोड़ी देर के बाद इसे हम धीरे धीरे मिला लेंगे। ध्यान रखें, इसे हमें तोड़ना नहीं है, बस अलग करना है। फिर हम इसमें डालेंगे एक बड़ी चम्मच चिली फ्लेक्स और इसे अच्छे से मिला लेंगे। फिर आखिर में इसके ऊपर हम 3 चीज़ स्लाइस ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिलाकर सर्व कर लेंगे। हमें इसमें एक्स्ट्रा नमक ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि चीज़ में और मैगी के टेस्ट मेकर में ऑलरेडी नमक रहता है। और ये हमारा मसाला चीज़ मैगी बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना रिव्यू मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।